दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गूगल फिट एप्लीकेशन के बारे में। गूगल फिट एप्लीकेशन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आप सर्च करके इस एप्लीकेशन को ढूंढ लीजिए, गूगल फिट एक्टिविटी ट्रैकिंग एप्लीकेशन। ठीक है, गूगल की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएगी। ढूंढने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक है ओपन, एक है अनइंस्टॉल। ठीक है, इसे जहाँ से भी ओपन कर सकते हैं आप, या फिर अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर ढूंढ लीजिए, कहीं भी पड़ी होगी। जहाँ मैं देखता हूँ, जहाँ देखिए ये आ चुकी है, फिट लिखा हुआ है ना, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यही है गूगल फिट, इसको हम परमिशन दे देंगे, जो भी परमिशन मांगे उसे अलाउ कर देना। ठीक है, और जहाँ पे जो भी गूगल अकाउंट आपका आपके मोबाइल में पहले से लॉगिन है वो यहाँ पे शो होने लगता है, और नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। और जहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल सेट कर लेनी है, मेल है या फीमेल है, उसके बाद बर्थडे है, उसके बाद आपने अपना वेट ऐड करना है, उसके बाद हाइट, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जहाँ इसे हम ऑन कर देंगे, या फिर से ऑन कर देते हैं, इसे अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब टारगेट सेट करने के लिए जहाँ नीचे प्रोफाइल का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि एक दिन में आप कितना चलना चाहते हैं। ठीक है ना, वो जहाँ देखिए यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ 7500 है ना, यहाँ पर क्लिक करके इसको कम या ज़्यादा कर लीजिए। मान लो अगर 10,000 स्टेप आप चलना चाहते हैं तो जहाँ 10,000 कर दीजिए, प्लस है माइनस है, इससे कम या ज़्यादा होगा। ठीक है ना, सेट कर दीजिए। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस एप्लीकेशन को बंद कर देना है, अपने मोबाइल में रखना है। जब आप चलते रहोगे ना तो ये स्टेप काउंट करता रहता है एप्लीकेशन। दिन में आप कभी भी चेक कर सकते हैं ओपन करके कि आप कितने स्टेप चले हैं। शाम को डेली चेक कीजिए, आपको पता चलता रहेगा कि एक दिन में आप कितना चल रहे हैं।